नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार के 7 साल हुए पूरे, आज भाजपा 23,000 गांवों में करेगी सेवा कार्य। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में मौत का आंकड़ा 50 के पार, सच छुपाने में जुटा प्रशासन। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी, आम सहमति से तय होंगे भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार। सिक्किम में शहीद हुआ मेरठ कलाल, पैतृक आवास पहुंचा पार्थिव शरीर, आज होगा अंतिम संस्कार। आगरा ब्लैक फंगस में रंग लाई, चिकित्सकों की मेहनत, 2.5 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद ठीक हुई बुजुर्ग महिला की आंखें। आंशिक कर्फ्यू में मिल सकती है राहत, आकलन के बाद फैसला आज। प्रतापगढ़ में लूट का विरोध करने पर दो सर्राफा व्यवसायी को मारी गोली, हालत गंभीर। कुशीनगर में पुल से टकराई तेज रफ्तार कार, मौके पर ही हुई 4 लोगों की मौत। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 4,000 प्रति माह देगी यूपी सरकार, शिक्षा की भी उठाएगी जिम्मेदारी। यूपी के 9 जेलों में सजा काट रहे 21 कैदियों ने पेरोल पर बाहर जाने से किया इनकार। व्यापारी जहाज में चीन से आए चूहों ने ऑस्ट्रेलिया में मचाया आतंक, 18वीं सदी से चल रहा है सिलसिला। कोरोना के नए मामलों में आई भारी कमी, पीक पर पहुंचने के 3 हफ्ते बाद 50% तक आई गिरावट। हरियाणा में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने मंगेतर कैरी साइमन से रचाई शनिवार को शादी, वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल में आयोजित किया गया था समारोह। मुश्किल में फंसी अक्षय कुमार की पृथ्वीराज, कर्णी सेना ने पृथ्वीराज के टाइटल पर जताई आपत्ति। केरल हाई कोर्ट ने रद्द किया 6 साल पुराना फैसला, मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को बताया असंवैधानिक। नीना गुप्ता और उनकी बेटी के साथ मसावा मसावा 2 में नजर आएंगी आलिया भट्ट, जल्द शुरू होगी इस वेब सीरीज की शूटिंग। पत्रकार दिवस पर बड़ी घोषणा, मृतक पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रुपए देगी योगी सरकार। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस का तंज, कहा भाजपा सरकार देश के लिए हानिकारक। मेहुल चौकसी को लौटाने पर एंटीगुआ में राजनीति गर्म, विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस वक्त के लिए इतना ही, ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेएमडी खबर।